नमस्कार दर्शकों, दर्शकों जिस समय का था इंतजार अब वो समय आ गया है। पिछले कुछ समय से तुला राशि वाले काफी परेशान चल रहे हैं। तुला राशि वालों का कोई काम नहीं बन पा रहा है, नौकरी को लेकर के समस्या, व्यापार को लेकर के समस्या, स्वयं के कामों को लेकर के कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन अब बदलाव का समय है। ये बदलाव कब होगा, कौन सी तारीख में होगा? नौकरी वालों के लिए एक अलग तारीख है, व्यापारियों के लिए एक अलग तारीख है, जो लोग स्वयं का काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए अलग तारीख में बदलाव देखने को मिलने वाला है, तो हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ मई महीने के बारे में भी जानेंगे कि मई का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। मई के महीने में चार बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन, गुरु का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन, ये चारों ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, जो कि तुला राशि वालों के लिए बड़ा खास रहने वाला है। सबसे पहले यदि हम बात करें मई महीने के ग्रहों की स्थिति के बारे में, मई के महीने में शनि पंचम भाव में ही गोचर करेंगे कुंभ राशि में, लेकिन शनि यहां पर अब मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं, क्योंकि ये 18 मार्च तक अस्त थे, अब ये उदय हो गए हैं, तो कुंभ राशि में पंचम भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं। राहु आपके छठे भाव में मीन राशि में ही रहेंगे, मंगल जो है छठे भाव में मीन राशि में रहेंगे, शुक्र बुध और सूर्य प्रारंभिक मई की तारीखों में सप्तम भाव में मेष राशि में गोचर करते हुए देखेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 14 मई को, ये वृषभ राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे और बुध का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि बुध फरवरी के महीने से खराब स्थिति में थे, अच्छे परिणाम नहीं दे रहे थे और व्यापारियों के लिए यदि देखा जाए तो काफी खराब स्थिति बनी हुई थी, लेकिन बुध का जो राशि परिवर्तन है 10 मई को, ये आपके लिए खास रहने वाला है। इसी प्रकार गुरु के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि गुरु का जो ये राशि परिवर्तन है लगभग एक वर्ष के बाद राशि परिवर्तन हो रहा है और वृषभ राशि में गुरु का गोचर 12 वर्ष के बाद आपके अष्टम भाव में हो रहा है, तो पूरे वर्ष भर गुरु क्या परिणाम देने का काम करेंगे, आपके ऊपर क्या प्रभाव डालने का काम करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शुक्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है आपके राशि के स्वामी है और राशि के स्वामी की स्थिति यदि बढ़िया है तो महीना बहुत शानदार बीतता है और ग्रहों की स्थिति का लाभ हमें देखने को मिलता है। तो शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा 19 मई को होगा। 19 मई को शुक्रदेव अपनी स्वयं की राशि में चले जाएंगे और आपके ऊपर विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे, तो ये ग्रहों की स्थिति जो है रहने वाली है। यदि हम बात करें सबसे पहले सूर्यदेव के बारे में, तो सूर्यदेव उच्च राशि में सप्तम भाव में मई के महीने में गोचर कर रहे हैं 14 मई तक, और सूर्य जो है उच्च के जब भी गोचर करते हैं तो विशेष रूप से फल देने का काम करते हैं। आपकी राशि के अनुसार से, आपके लग्न के अनुसार से सूर्यदेव लाभ भाव के मालिक है और लाभ भाव के मालिक होकर के केंद्र भाव में एक्साइटेड होकर के उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, तो विशेष प्रकार के लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग व्यापार से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, स्वयं का कोई काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मई का महीना काफी खास रहने वाला है और सूर्यदेव यहाँ पर विशेष लाभ देने का काम करने वाले। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं या फिर ठेकेदारी से जुड़े हुए, टेंडर से जुड़े हुए कोई काम यदि आप कर रहे हैं, तो विशेष तौर पर आपको मई के महीने में बदलाव देखने को मिलने वाला है। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जनता का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। तो सूर्यदेव जो है 14 मई तक विशेष एनर्जी में रहने वाले हैं, बलवान अवस्था में रहने वाले हैं और आपके कार्यों को बनाने का काम करेंगे। सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव होता है व्यापार का, तो बिजनेस को बढ़ाने का काम करेंगे। जो भी आप स्वयं का काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, उसमें खास लाभ देखने को मिलने वाला है। पार्टनरशिप में यदि कोई बिजनेस कर रहे हो तो भी विशेष लाभ देखने को मिलेगा, और यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलने वाला है। लेकिन एक चीज पर आपको ध्यान रखना है, वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा
कंप्रोमाइज करके चलने की आपको विशेष तौर पर जरूरत रहने वाली है। पत्नी का सहयोग जो है मई के महीने में जरूर ले, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और 14 मई के बाद सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे, अचानक लाभ देने का काम जो है सूर्यदेव अष्टम भाव में दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर गुरु पहले से ही विराजमान रहेंगे। गुरु और सूर्य की जो युति होती है ये बेहद ही खास मानी जाती है, तो अचानक रिकवरी आ सकती है। कहीं यदि आपका पैसा फंसा हुआ है वो आपको मिल सकता है, अचानक लाभ हो सकता है, पॉलिसी आपकी जो है आ सकती है, तो कहीं ना कहीं से सूर्यदेव जो है लाभ देने का काम करने वाले हैं। और धन भाव में इनकी दृष्टि होने के कारण धन के स्रोत पैदा करने का काम भी सूर्यदेव करने वाले हैं मई के महीने में। इसके बाद यदि हम बात करें बुध के बारे में, बुध की स्थिति काफी दिनों से खराब थी और बुध जो है 10 मई तक अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि बुध कभी अस्त हो रहे थे, कभी वक्री हो रहे थे, कभी राहु के साथ गोचर कर रहे थे, जड़ दोष बना रहे थे, कभी नीच राशि में गोचर कर रहे थे। इस कारण से बुध की स्थिति काफी दिनों से जो है खराब थी। अब बुध जो है 10 मई के बाद जो है बड़ा बदलाव करने वाले हैं। 10 मई को मेष राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव में बुध का गोचर होगा। यहां पर बुध जो है लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाती है, तो ये जो युति है ये आपके लिए बेहद ही खास रहने वाली है। लक्ष्मी नारायण राजयोग धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। व्यापार के भाव में बन रहा है तो व्यापार की स्थिति, व्यापार में ग्रोथ मिलना या नया व्यापार की जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिलना, ये यहाँ पर जो है लाभ देने का काम बुध और शुक्र करने वाले हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग का फल आपको मई के महीने में मिलने वाला है। बुध यदि हम बात करें तो भाग्य के मालिक है और भाग्य के मालिक होकर के केंद्र भाव में गोचर करने वाले हैं 10 मई से, तो व्यापारियों के लिए ये सबसे बड़ा बदलाव है। 10 मई का जो समय है ये व्यापारियों के लिए खास है, जो स्वयं का काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेहद ही ये खास समय रहने वाला है। तो 10 मई के बाद जो है ये बदलाव देखने को मिलने वाला है। जो लोग विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहतर समय रहने वाला है 10 मई के बाद। 10 मई के बाद ये समय जो है बदलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों में विशेष लाभ देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ यदि हम बात करें ग्रीन कार्ड के लिए, वीजा के लिए, पासपोर्ट के लिए, तो ये समय आपके लिए खास रहेगा। आप इन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। और यदि आप बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, एडवाइजर का काम कर रहे हैं, प्रवक्ता का काम कर रहे हैं, वाणी के द्वारा कार्य कर रहे हैं, जो कि वाणी बोलने वाला कोई काम कर रहे हैं, एडवाइस देने वाला, कंसल्टेंसी वाला काम यदि कर रहे हैं, तो 10 मई के बाद बेहद लाभ आपको देखने को मिलने वाला है। यदि आप लॉयर या अकाउंट से जुड़े हुए काम भी कर रहे हैं तो भी एक बेहतर स्थिति देखने को मिलने वाली है। तो बुध का जो गोचर है मई के महीने में खास रहेगा 10 मई के बाद, और व्यापारियों के लिए, स्वयं के कार्यों के लिए लाभ देखने को मिलने वाला है। वही यदि हम बात करें गुरु के बारे में, गुरु अभी तक सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे मेष राशि में, और सप्तम भाव में गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन 1 मई 2024 को गुरु अष्टम भाव में चले जाएंगे। और अष्टम भाव जो है ये आध्यात्मिक भाव है, गूढ़ ज्ञान का भाव है, और यहाँ पर गुरु जो है आध्यात्मिक क्षेत्र से लगाव को बढ़ाने का काम करते, गूढ़ रहस्यों का जो है ज्ञान देने का काम करते, रिसर्च करवाने का काम करते, समाज सेवा का काम करते हैं, और धन जो है ये अचानक देने का काम करते, अचानक धन की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं। किस्मत को भी यहाँ पर गुरु जो है चमकाने का काम करते हैं, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि होती है ये बेहद ही खास मानी जाती है। गुरु की पंचम दृष्टि विदेश भाव में होने के कारण विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होगा, या विदेश में आप काम कर रहे हैं तो विशेष लाभ देखने को मिलेगा, विदेश की यात्राओं का योग भी बनेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन के स्रोत भी बनेंगे, और धन के लिए आप प्रयास करेंगे तो सफलताएं भी आपको मिलने वाली है। कुटुंब परिवार में जो विवादमय स्थिति है उसको भी गुरु जो है ठीक करने का काम करने वाली है, तो ये आपके लिए बेहतर स्थिति रहेगी। इनकी नवम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी, तो यदि आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो योग बन जाएगा और आप खरीद सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं।
और सुखों में वृद्धि करने का काम भी गुरु जो है करने वाले हैं। माता के स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालने का काम करेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर करने का काम करेंगे। तो गुरु की जो स्थिति है ये पूरे वर्ष भर रहने वाली है, लगभग आने वाले एक साल तक गुरु आपके अष्टम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बात करें शुक्र के बारे में, तो शुक्र जो है 19 मई तक सप्तम भाव में गोचर करेंगे मेष राशि में, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। और शुक्र आपके लगन के मालिक है और अपने भाव को अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इस कारण से कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जुड़े हुए हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, मल्टीनेशनल नौकरी में है या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी नहीं है प्रयासरत है, तो उन लोगों के लिए मई का महीना खास है। कंपटीशन में आपको सफलता मिलने वाली है। नई नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो ये समझ जाइए कि मई का महीना आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है और इसमें आपको सफलता मिलने वाली है। तो नौकरी वालों के लिए स्थिति जो है बेहतर रहेगी। यदि आप कला के क्षेत्र में हैं तो भी आपके लिए एक बेहतर स्थिति रहेगी। यदि आप कवि हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए समय खास रहने वाला है। या फिर कोई कला के क्षेत्र में यदि कार्यरत है तो भी मई का महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। और यदि हम बात करें शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में, तो 19 मई को शुक्र जो है अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में चले जाएंगे और यहां पर भी शुक्र के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो 19 तारीख के बाद एक अद्भुत स्थिति आपकी रहेगी धन के लिए, क्योंकि धन भाव में शुक्र की दृष्टि भी रहेगी और अपने घर में बैठेंगे तो धन में वृद्धि करेंगे, गूढ़ ज्ञान भी देने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं से धन जो है प्राप्त करवाने का काम जो है शुक्र यहां पर करते हैं। तो शुक्र भी जो है मई के महीने में पूरे महीने आपको लाभ देने का काम करने वाले हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो मई के महीने में 31 मई को बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। मित्र के घर में विपरीत परिवर्तन राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग, ये दो दो राजयोग यहां पर जो है बनाने वाले हैं अष्टम भाव में। तो व्यापारियों के लिए, स्वयं के कार्यों के लिए, जो लोग स्वयं का काम कर रहे हैं, और यदि आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, तो 31 मई के बाद भी स्थिति आपकी बेहतर रहने वाली है, क्योंकि बुध जो है व्यापार के कारक है, बिजनेस के कारक है, और बुध यदि बढ़िया है तो आपका व्यापार बढ़िया रहने वाला है। तो मई के महीने से जो है आगे का जो समय है वो बुध का बढ़िया रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहने वाली है। शुक्र के बाद यदि हम बात करें शनि के बारे में, शनि की स्थिति जो है खराब थी और ये 18 मार्च तक अस्त थी। अब धीरे धीरे ये मजबूत की ओर बढ़ रहे हैं और शनि आपकी कुंडली में योग कारक है, पंचम भाव के मालिक है और चौथे भाव के मालिक है। तो अब जो है मई के महीने से शनि का भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। जो आपके काम अटक रहे थे, बन नहीं रहे थे, विफल हो रहे थे, अब जो है शनि भी आपको सहायता करने का काम करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ देंगे। यदि आपकी लव लाइफ खराब है तो लव लाइफ को भी बेहतर करने का काम यहाँ पर करेंगे। संतान की चिंताओं को दूर करने का काम करेंगे, संतान का सुख देने का काम यहाँ पर शनि करने वाले हैं और आपको फाइनेंशियल स्थिति से मजबूत करने का काम शनि करेंगे। तो शनि की स्थिति भी मई के महीने में आपके लिए बेहतर रहने वाली है, ये आपको सपोर्ट करने का काम करने वाली है। राहु के बारे में यदि हम बात करें तो राहु मीन राशि में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि गुरु के फल देने का काम करेंगे। गुरु के गुणों को ग्रहण करके गुरु के ही जैसे फल देने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु की राशि में ये गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छठे भाव में राहु का गोचर बहुत ही बढ़िया माना जाता है। एक तो शत्रुओं को परास्त करने का काम करते हैं, ऋणों को समाप्त करने का काम करते हैं और कंपटीशन में सफलता देने का काम करते हैं। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत है उन लोगों के लिए समय बढ़िया है। विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए मई का महीना बढ़िया रहने वाला है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और लॉ लाइफ के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। मंगल और राहु की जो युति है ये आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल के साथ राहु जब भी गोचर करते हैं तो चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है। पेशेंस लेवल जो है ये थोड़ा कम हो जाता है और जल्दीबाजी में कई बार गलत डिसीजन देने का काम यहाँ पर मंगल के साथ राहु करते हैं। व्यय थोड़ा सा ज्यादा करते, खर्चे ज्यादा बढ़ा देते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। भाइयों के साथ संबंध भी मजबूत बना करके रखें, क्योंकि भाइयों के साथ संबंध भी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए मंगल और राहु की जो युति है
ये तुला राशि वालों के लिए अच्छी नहीं है मई के महीने में, इसलिए भाइयों के साथ आपको संबंध मजबूत रखना है और मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय सावधानी रखना है क्योंकि चोर चपेट लगने की संभावनाएं मई के महीने में हो सकती है, या किसी के साथ विवाद हो सकता है, मामा के साथ मौसी के साथ संबंध खराब हो सकते, इसलिए विशेष तौर पर आपको मई के महीने में ध्यान रखने की जरूरत रहने वाली है। केतु के बारे में बात करें तो केतु भी जो है मई के महीने से अच्छे परिणाम देंगे। केतु कन्या राशि में बुध के घर में बैठे और बुध की स्थिति ठीक नहीं थी, अब जो है बुध 10 मई के बाद अच्छे हो जाएंगे तो केतु के भी अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं केतु का भी जो है सहयोग रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो तुला राशि वालों के लिए ग्रहों की जो स्थिति है ये बेहतर रहेगी और कहीं ना कहीं जो है बदलाव देखने को 10 मई के बाद मिलने वाला है। तो ये समय जो है ये आपके लिए एक बदलाव का समय है। ये फलादेश साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं क्योंकि कुंडली में चल रही दशा और अंतरदशा ज्यादा मायने रखती है। यदि दशा अंतरदशा शुभ है तो ये बदलाव शुभ रहेगा, अच्छा देखने को मिलेगा, और यदि दशा अंतरदशा अशुभ है, मारक ग्रह की है, तो ये बदलाव 10% 15% देखने को मिलने वाला है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।